वेलकम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग अपडेट बाई CHO में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि राजस्थान CHO 2020 के अंदर पूछे गए थे, और ये जो क्वेश्चन है एक बार फिर से रिपीट हो सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम अपन देखेंगे कि राजस्थान CHO प्रीवियस पेपर 2020 कैसा आया था, उसका लेवल क्या था। ऐसा ही पेपर, इसी लेवल का पेपर अपने को इस बार देखने को मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि 10 नवंबर यानी कल से अपनी मेगा CHO टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। तो उसको ज्वाइन करने के लिए आज दोपहर 12 बजे तक जो ज्वाइन कर लेगा उसको ये टेस्ट सीरीज फ्री में दी जाएगी, और 12 बजे के बाद जो भी बच्चा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेगा उसका इंटरनेट शुल्क लगेगा, वो मात्र 51 रुपये होगा। तो मैं चाहता हूं कि सब फ्री ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करके मेरे जो टेस्ट सीरीज़ है उसका फ़ायदा उठाएं, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वहां पर भी डेली सुबह 7 बजे CHO स्पेशल MCQ सेशन स्टार्ट है। डेली इंपॉर्टेंट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाते हैं वहाँ पे, और उन क्वेश्चनों को भी आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि वो जो क्वेश्चन हैं वो CHO के लेवल के क्वेश्चन हैं, और राजस्थान CHO में उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब तक 200 प्लस बच्चे हैं वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर चुके हैं, और आप भी इस मौके को जाने मत दो हाथ से, क्योंकि 12 बजे के बाद अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो आपको स्थायी शुल्क देना पड़ेगा, वो रहेगा मात्र 51 रुपये। तो मैं चाहता हूँ कि सब फ्री ज्वाइन करें, किसी का 1 रुपये भी नहीं लगे। तो टेस्ट सीरीज पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप उस पर सिंपली मुझे उस व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं टेस्ट सीरीज लिख के, और अपना नाम जरूर लिखें साथ में। और इस वीडियो को शुरू करते हैं अपन। राजस्थान CHO प्रीवियस ईयर पेपर 2020 नर्सिंग अपडेट बाय CHO यूट्यूब चैनल। पहला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 1। जो पहला क्वेश्चन है वो है नोट ए मैक्रो न्यूट्रिएंट, कि मैक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो कौन सा नहीं है इनमें से। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है फैट, तीसरा ऑप्शन है विटामिन, और चौथा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। तो इनमें से कौन सा है जो मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। चलो देखते हैं कौन सा है जो मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। तो पहला ऑप्शन प्रोटीन है, प्रोटीन मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है, प्रोटीन से एनर्जी मिलती है। फैट से एनर्जी मिलती है, मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है, और कार्बोहाइड्रेट भी मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है। तो ये तो सब होते हैं, क्या नहीं होता, विटामिन जो होता है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। क्या होता है, माइक्रो। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपना विटामिन इज़ राइट आंसर। तो ऐसा ये क्वेश्चन राजस्थान CHO 2020 में पूछा गया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट होने के चांस पूरे पूरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि आप ये मत समझना कि इजी क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये जो पेपर है ये राजस्थान CHO जो कंपटीशन एग्ज़ाम हुआ था 2020 के अंदर उसका ये पेपर है। कोई ये नहीं है कि कोई भी लेके उठा के ले आए, ये क्वेश्चन रियल पेपर है बिल्कुल। और आप चाहोगे तो मैं इसकी पेपर की जो PDF है वो आपको शेयर कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें। और ये जो मैं पेपर यहाँ पे करवा रहा हूँ PDF, ये PDF भी आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो जाओ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। इस पर आपको बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़, बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन ई। तो आप बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में, मैं कमेंट चेक कर रहा हूँ सबके, बताओ। मैं आपको 15 सेकंड का टाइम देता हूँ, तो इसका आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो मुझे आप सब्सक्राइब जरूर करके दो चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर तो करना ही है, क्योंकि ये चैनल सब तक पहुंचना चाहिए। इस पर
बेस्ट से बेस्ट देने की मैं कोशिश करूंगा, और टेस्ट सीरीज को बिल्कुल मिस मत करना, टेस्ट सीरीज ही सब कुछ है। तो चलो इसका राइट टाइम देख लेते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि एक तो होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन, एक होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। जो वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं और फैट कौन से होते हैं, तो एक दोनों में से एक याद कर लो कि जो फैट सोल्यूबल होते हैं वो होते हैं विटामिन ए डी ई के। ये जो विटामिन होते हैं ये फैट सोल्यूबल होते हैं। इसके अलावा जो भी विटामिन होंगे, विटामिन बी विटामिन सी, ये सब के सब वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो चला जाएगा अपना विटामिन सी। विटामिन सी इज़ राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नोट ए डेंगू सिम्टम, डेंगू का कौन सा है जो सिम्टम नहीं है। तो मैं आपको 5 सेकंड 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, कमेंट में आप इसका, कमेंट बॉक्स में आप इसका राइट आंसर लिखें, मैं कमेंट चेक कर रहा हूँ आप सबके। तो नोट ए डेंगू सिम्टम, डेंगू सिम्टम कौन सा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दे भाई, वीडियो को लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि मेरी अगली जो वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसका जो राइट आंसर है, चलो बता दो जल्दी इसका राइट आंसर, चलो डिस्कस कर लेते हैं। राइट, डेंगू, डेंगू फीवर होती है उसके क्या क्या सिम्टम है। तो डेंगू फीवर एक किससे होती है, पहले तो ये बताओ किस, कौन सा मच्छर से होती है, कौन से मॉस्किटो से होती है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर होती है एडीज, किससे, एडीज एजिप्टाई, एजिप्टाई से होती है। ठीक है, अच्छा इसके सिम्टम बता दो, फीवर हाई ग्रेड फीवर होती है कि नहीं होती। बिल्कुल हाई ग्रेड फीवर होती है। पेन इन आई, जो आंखों के आसपास आंखों के एरिया में जो पेन होता है बिल्कुल होता है। जॉइंट पेन, बिल्कुल जोड़ों में दर्द होता है इसका मेन लक्षण है। क्या नहीं होता, तो लो ग्रेड फीवर नहीं देखने को मिलता अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन है अपना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है वीवीएम फुल फॉर्म। ये सारे के सारे क्वेश्चन राजस्थान सीएचओ 2020 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो मैं यहाँ पर सोल्व करवा रहा हूँ। तो ऐसे मत सोचना कि सर तो इजी क्वेश्चन लेके आ गए, ये तो हमारे को आते ही हैं। अगर आपको आते हैं तो भी ये जरूर करना, क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मुझे सब आता था। मैंने अपना एग्ज़ाम 20 मिनट में पूरा कर लिया था, सारे क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे 100 के 100। बट मैं जब रूम पे आया तो रूम पे आके मैंने जब क्वेश्चन मिलाने चालू करे तो मेरे 15-20 क्वेश्चन गलत हो गए। क्यों गलत हो गए, क्योंकि मैंने इसको हल्के में ले लिया था इजी क्वेश्चन को। तो इजी क्वेश्चन बहुत जल्दी गलत होता है, तो इजी क्वेश्चन पर हमेशा ध्यान अपना जाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वीवीएम, वीवीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, कमेंट में आप इसका आंसर लिख दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। जितनी ज़्यादा लाइक करोगे, जितना ज़्यादा शेयर करोगे और जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, उतना ही अच्छा कंटेंट आपको इस चैनल पर डिलीवर होगा। चलो इसका देखते हैं फुल फॉर्म, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। तो वैक्सीन, पहला ऑप्शन है वैक्सीन वायबिलिटी मॉनिटर, क्या राइट है, नहीं होता। फिर है वैक्सीन वायल मॉनिटर, वैक्सीन वेरिफिकेशन मॉनिटर, या वायरल वायबिलिटी मॉनिटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो अपना रहेगा वैक्सीन वायल मॉनिटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा वैक्सीन वायल मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विटामिन ए डोज एट 9 मंथ, तो 9 मंथ पर विटामिन की कितनी डोज लगाते हैं, डोज का क्वेश्चन है ये। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए विटामिन ए की कितनी डोज लगाते हैं। पहला ऑप्शन है 50,000 इंटरनेशनल यूनिट, 1,00,000 इंटरनेशनल यूनिट, 2,00,000 या 3,00,000। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दें, फिर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो चला जाएगा अपना 1,00,000 इंटरनेशनल यूनिट। इसका राइट आंसर है 1,00,000 इंटरनेशनल यूनिट, राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीडियाट्रिक्स का क्वेश्चन है कि कम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब स्टार्ट करते हैं। कम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि जब बच्चा होता है उसको माँ के दूध के अलावा ऊपर से अपन जो भी फीडिंग देते हैं वो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहलाती है। या फिर जैसे बच्चे को कुछ जैसे बिस्किट भी खिला रहे हैं, है ना, ऊपर क्या दूध
पिला रहे हैं या बिस्किट खिला रहे हैं या कुछ और चीज़ खिला रहे हैं, तो उसको कम्प्लीमेंट्री फीडिंग्स कहते हैं। तो वो कब शुरू करते हैं? तो अपन सबको पता है कि बच्चे के पैदा होने से लेके एट बर्थ से लेके 6 मंथ तक जो है 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है। सिर्फ माँ का दूध दिया जाता है, क्योंकि माँ के दूध के अंदर इम्यूनिटीज़ पाई जाती है, प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि बच्चे के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करेंगे, उसकी इम्यूनिटी को मजबूत करने का काम करता है। इसलिए अपने को आंसर है वो चला जाएगा 6 मंथ। 6 मंथ पर, 6 मंथ के बाद, आफ्टर 6 मंथ कम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट। ये क्वेश्चन राजस्थान CHO में आया था। ये सारे क्वेश्चन राजस्थान CHO के ही करवाए जा रहे हैं यहाँ पे। SI पेपर आता है, अच्छा है, इजी लेवल आता है, बट इजी में ही अपन गलती कर बैठते हैं। तो जैसे गलती मैंने करी वैसे आप मत करना। मेरा तो फिर भी बहुत अच्छा हो गया था, 85% मेरे राजस्थान CHO में आए थे और मैं अभी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट पे वर्क पोस्टेड हूँ। इसलिए मैं आप एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ही आपको बता सकता है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के एग्ज़ाम में क्या क्या आ सकता है, कैसा उसका सिलेबस रहेगा, कैसे उसकी क्वेश्चन रहेंगी। तो बने रहिए मेरे साथ, आप लोगों को भी मैं CHO बना के दम लूँगा। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, क्वेश्चन नंबर 7 है कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है, बताओगे तो। जैसे पहला ऑप्शन है नाइट ब्लाइंडनेस, तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। स्कर्वी, बिल्कुल इसका राइट आंसर चला जाएगा बी, स्कर्वी होता है विटामिन सी की। रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। और बेरी बेरी जो है वो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, जिसको रतमदी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गैप बिटवीन डोज ऑफ TT इंजेक्शन इन प्रेग्नेंट लेडी। हाँ, तो अपने पास जैसी प्रेगनेंसी का पता चलता है तो अपने को क्या है, TT की डोज लगवानी होती है। जैसे प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई, TT की डोज लगती है, और उसके जस्ट 1 महीने बाद, कितने महीने बाद, 1 महीने बाद TT की सेकेंड डोज लगवाना कंपलसरी होता है। तो इसलिए क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो चला जाएगा 4 वीक या फिर 1 मंथ। अगर ऑप्शन में 1 मंथ भी हो तो अपन 1 मंथ लगा सकते हैं, ऑप्शन में 28 डेज हो तो 28 डेज भी लगा सकते हैं, 4 वीक हो तो भी 4 वीक इसका राइट आंसर चला जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीन गिवन एट बर्थ, कि इनमें से कौन सी वैक्सीन है जो बर्थ पे, एट बर्थ पे दी जाती है, कौन सी वैक्सीन एट बर्थ पे दी जाती है। तो कमेंट में आप जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कौन सी वैक्सीन जो एट बर्थ पे दी जाती है। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, तब तक आप वीडियो को शेयर कर दें ताकि और अपने साथी है वो भी जुड़ सकें अपने से। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ऐसे ही ये पार्ट फर्स्ट है, प्रीवियस ईयर पेपर का ये पार्ट फर्स्ट है। ऐसे ही करके अपन 3 या 4 पार्ट में इस पूरे पेपर को कंप्लीट कर लेंगे, और ये पेपर को जरूर करके जाना। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, वैक्सीन गिवन एट बर्थ, कौन सी वैक्सीन एट बर्थ पे दी जाती है। देखो, OPV बिल्कुल दी जाती है, पेंटावेलेंट नहीं, पेंटावेलेंट जो वैक्सीन है वो अपन कब कब देते हैं, 6, 10, 14 वीक पे देते हैं। मैंने इम्यूनाइजेशन का भी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप जाके वो ज़रूर देखें, क्योंकि इम्यूनाइजेशन से 3 से 4 क्वेश्चन राजस्थान CHO पूछता है। तो इम्यूनाइजेशन की मेरी एक वीडियो अपलोड की हुई है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, जाके उसको वॉच जरूर करें, प्लेलिस्ट में जाके देख लें आप, वहाँ पर आपको इम्यूनाइजेशन की एक वीडियो मिलेगी। नेक्स्ट, BCG को एट बर्थ पे लगाते हैं, इसको BCG है एट बर्थ पे लगता है, बिल्कुल है, ठीक है। BCG OPV लगता है एट बर्थ पे, लेकिन हेपेटाइटिस सी नहीं लगता। इसका जो ये आंसर है कि BCG OPV हेपेटाइटिस बी, बिल्कुल राइट आंसर ये है। अब आप कहोगे कि BCG इसका क्यों नहीं गया उत्तर, तो BCG से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, या फिर बोलते हैं प्रायोरिटी जिसको देंगे वो इसको दें, क्योंकि इसमें 3 वैक्सीन है जो एट बर्थ पे लगती है और इसमें सिर्फ 1 है। तो राइट आंसर जो जाएगा अपना वो चला जाएगा ए इज राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं राजस्थान CHO एग्ज़ाम में, और आप मेरे साथ बने रहें अगर आपको राजस्थान CHO एग्ज़ाम फाइट करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, कॉज ऑफ कोविड 19 है, एक महामारी है,
जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि कोविड कब आया था, कोविड में कोविड के साइन सिम्टम है वो क्या रहते हैं, तो ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। कोविड एक वायरस वाला रोग है या बैक्टीरिया वाला है, तो ये सब पूछा जाएगा। तो कोविड यहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन है वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ। तो सबको पता है कोविड, कोविड के बारे में कोई अनजान नहीं है। वायरस इज राइट आंसर। तो कोविड का हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन में अपन देखेंगे कि ए सरफेस डी कंटामिनेटेड ऑफ कोरोना वायरस यूज्ड केमिकल, कि कौन सा केमिकल यूज करेंगे कोरोना वायरस सतह से जो सरफेस होती है उससे कोरोना वायरस को डी कंटामिनेट करने के लिए, उसको सैनिटाइज करने के लिए अपन कौन सा केमिकल यूज करेंगे। तो ये क्वेश्चन आया था जो कि पेचीदा क्वेश्चन था, किसी ने कुछ लगाया किसी ने कुछ लगाया, लेकिन राजस्थान CHO जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं, राजस्थान CHO का जो, उन्होंने इसका जो राइट आंसर है वो क्या दिया है मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आप मुझे कमेंट में बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूटरल्डिहाइड, मेथेनॉल और हाइपोक्लोराइड। तो राजस्थान CHO की जो, राजस्थान की CHO का जो एग्ज़ाम जिसने करवाया था और उन्होंने जो आंसर की दी थी उसमें इसका जो राइट आंसर था वो था सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड इसका राइट आंसर था। आप फर्दर एक्सप्लोर कर लो, किसी बुक में देख लो कि इसका राइट आंसर क्या होगा। उनका जो राइट आंसर था वो सोडियम हाइपोक्लोराइड था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो 12 नंबर क्वेश्चन है MDR-TB, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो TB है उसका ट्रीटमेंट कितने दिन तक चलता है, हाउ लॉन्ग MDR-TB का जो ट्रीटमेंट है वो कितना लंबा चलता है। तो अपन देख लेते हैं इसमें जो ऑप्शन है MDR-TB का ट्रीटमेंट कितना लंबा चलता है, हाउ लॉन्ग। ऑप्शन है 6 मंथ, 12 मंथ, 22-24 मंथ, 24-27 मंथ। वैसे तो टीबी जो होती है उसका जो, अपन देख लेते हैं MDR-TB के बारे में थोड़ा, कि MDR जो टीबी है इस टीबी से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो आप MDR-TB है उसमें क्या होता है कि एक दो फेज होती है, एक होती है IP फेज, इनिशिएटिव फेज, और एक होती है कंटिन्यूस फेज। तो IP फेज होती है, एक होती है इनिशिएटिव फेज। जो IP फेज होती है वो 56 दिनों की होती है और ये होती है लगभग 114 दिनों की। तो ये जो ट्रीटमेंट है अपना मैक्सिमम 6 मंथ तक चलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 6 मंथ है। राजस्थान CHO ने इसका जो आंसर है वो 6 मंथ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी बोन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन होती है। इतना सिंपल क्वेश्चन है फिर भी क्या है बच्चे क्या गलती कर बैठते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 206 है या 207 है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, तो आपको याद रखना है कि इसकी जो संख्या होती है बोन की जो काउंटिंग होती है वो 206 होती है। याद रखना 206 बोन पाई जाती है किसमें, ह्यूमन बॉडी में। सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिंपल लग रहे होंगे क्वेश्चन, यही क्वेश्चन राजस्थान CHO ने 2020 में पूछे थे जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है कि डायग्नोस्ड TB टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट आल्सो नोन एज, कि टीबी की जांच करने के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए एक ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, सिक टेस्ट जो होता है ये किस में देखने को मिलता है। चलो कमेंट में इसका आंसर बताएं सब मेरे को, और जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करें, कम है लाइक तभी लाइक को बढ़ाएं। अभी मेरे साथ क्या टेस्ट सीरीज में जो है 200 से ऊपर बच्चे जुड़े हुए हैं, तो कम से कम वो बच्चे जरूर वीडियो को लाइक करें। तो अब लाइक को जरूर बढ़ाएं, लाइक कम नहीं होने चाहिए, जितने ज़्यादा लाइक होंगे उतना अच्छा कंटेंट आएगा, जितने ज़्यादा शेयर करोगे उतना अच्छा कंटेंट मिलेगा। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है वो मिस कर बैठ जाओगे। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर देखेंगे अपन अभी, सिक टेस्ट किसके लिए होता है, तो ये होता है डिप्थीरिया के लिए। किसके लिए, डिप्थीरिया के लिए होता है सिक टेस्ट, डिप्थीरिया के लिए होता है। VDRL टेस्ट, प्लाइजा टेस्ट। अब बताइए कि टीबी को डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है। VDRL टेस्ट किसके लिए होता है, VDRL टेस्ट किसके लिए होता है बताइए, और ELISA टेस्ट किसके लिए होता है। तो ये सारे टेस्ट आपको याद करने हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ यहाँ पर। इसका जो राइट आंसर है वो मोंटेक्स टेस्ट। मोंटेक्स जो टेस्ट होता है वो किसके लिए करते हैं अपन,
टीबी के लिए करते हैं, ट्यूबरकुलिन टेस्ट का ही दूसरा नाम मोंटेक्स टेस्ट है, ठीक है। और इसके अलावा अपन देखते हैं कि वीडीआरएल जो टेस्ट था, वीडीआरएल टेस्ट किसके लिए करते हैं, तो वीडीआरएल जो टेस्ट है वो सिफिलिस के लिए करते हैं, सिफिलिस के लिए करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और एलाइजा टेस्ट है वो अपन एड्स की डायग्नोसिस उसमें करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो राजस्थान सीएचओ ने पूछे थे। अब क्वेश्चन नंबर 15 कि लार्जेस्ट ग्लैंड, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी की जो लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है वो बताइए। तो ह्यूमन बॉडी की जो सबसे बड़ी ग्लैंड है वो कौन सी है, तो वो है अपनी राइट आंसर है लीवर है, वो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर, राइट आंसर इज बी लीवर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ये राजस्थान सीएचओ 2020 का पेपर मैं करवा रहा हूँ आपको सोल्व, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस रिपीट होने के भी पूरे पूरे चांस है। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि विच न्यूट्रिएंट्स आर नेसेसरी फॉर टिशू रिपेयर। अब बताओ टिशू रिपेयर के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट आवश्यक है, ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहला ऑप्शन है अपना विटामिन, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है फैट और चौथा है कार्बोहाइड्रेट। तो कौन सा इसका राइट आंसर है वो आप देख लें एक बार। इसको बिल्कुल भी मैं बता रहा हूँ हल्के में मत लेना कि इतने इजी क्वेश्चन है मैं कर दूंगा, बिल्कुल हल्के में मत लेना, अच्छे से प्रिपरेशन करना, चारों ऑप्शन को अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि गलती होने के चांस सबसे ज़्यादा इन्हीं में होते हैं। और मेरी टेस्ट सीरीज है उससे बाहर शायद ही कुछ जाएगा, ऐसा ही मैंने मैटर है वो तैयार किया है प्रिपरेशन के लिए कि भी बच्चों को कहीं भी जाना नहीं पड़े, भटकना नहीं पड़े। और इसीलिए मैंने फ्री टेस्ट सीरीज चालू करी है। मेरे जितने भी सीएचएस आती है जो जो कि सरकार ने उनको हटा दिया है, तो सभी सीएचएस साथी मिलकर मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और है ना तैयारी करें अच्छे से सीएचओ की। आपको सीएचओ में लगना है, आप अधिकारी के पद के उम्मीदवार हो, तो आपको तैयारी ज़रूर करनी है अच्छे से। कोई नहीं ये नहीं सोचेगा कि मेरे से तैयारी नहीं होगी, मुझे तो इतने साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए, कुछ नहीं है। आप मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो और जो मैं यूट्यूब पर जो वीडियोस बना रहा हूँ एमसीक्यू सेशंस की वो अटेंड कर लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो चला जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है वो टिशू रिपेयर का काम करता है। टिशू रिपेयरिंग का काम कौन करता है, प्रोटीन करता है, टिशू को रिपेयर करता है प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 नंबर क्वेश्चन है कि विच फूड, 17 नंबर क्वेश्चन है कि विच फूड आइटम मैक्सिमम क्वांटिटी विटामिन सी प्रेजेंट, सॉरी विटामिन ई, विटामिन ई सबसे ज़्यादा किस में है, इनमें से विटामिन ई किस में देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन है मीट, सनफ्लावर, वेजिटेबल, फ्रूट्स। तो राइट आंसर क्या जाएगा, विटामिन ई जो है वो किस में देखने को मिलेगा, कमेंट करो कमेंट सेक्शन में, और लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, लाइक ज़रूर करना है। जो भी बंदा वीडियो देखे, मेरी मेहनत तभी साकार होगी जब आप वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और आगे शेयर करोगे, तभी मेरी मेहनत है वो काम आएगी। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरा साथ ज़रूर दें, मेरा सपोर्ट ज़रूर करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो चला जाएगा, राइट आंसर इज सनफ्लावर। इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा, सनफ्लावर होगा। बाकी आप फर्दर बुक में इसका एक्सप्लोर कर लेना एक बार राइट, कि इसका सनफ्लावर ही जाएगा या कुछ और। तो राजस्थान सीएचओ ने जो इसका आंसर है वो सनफ्लावर माना है, आंसर बी इसका राइट माना है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच हार्मोन इज फॉर्म बाय टेस्टिस। अब क्वेश्चन आता है टेस्टिस से कौन सा हार्मोन बनता है, ओवेरी से कौन सा हार्मोन बनता है, ये देख लेते हैं एक बार अपन। कि एक तरफ टेस्टिस लिख लेते हैं कि टेस्टिस, दूसरी तरफ ओवेरी देख लेते हैं। तो क्योंकि इस बार ओवेरी का भी आ सकता है क्वेश्चन कि ओवेरी से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो ओवेरी का याद रखना आप कि ओवेरी से एस्ट्रोजन, FSH, LH ये हार्मोन ओवेरी से निकलते हैं, और टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकलता है, और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ये कोर्टिसोल होता है जो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है हार्मोन, और ये इंसुलिन है जो पेनक्रियाज की बीटा सेल की लेंगरहैंस सेल से निकलता है ये इंसुलिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है लेकिन कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, तो
19 क्वेश्चन क्या है कि कार्बोहाइड्रेट स्टोर इन लीवर विच फॉर्म। देखो आपको क्या है, जो वन लाइनर क्वेश्चन है उन पर ज़्यादा फोकस करना है, वो गलत नहीं होने चाहिए। ऐसा मत सोचना कि ऐसा क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल बिल्कुल इजी क्वेश्चन आता है। जैसे अभी पीछे अपन ने पढ़ाई था कि ह्यूमन बोन कितनी होती है, बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है जो अपन पाँचवीं छठी क्लास में ही पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को, फिर भी बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को भी गलत करके आते हैं। तो इजी क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना, लेवल है वो इसी टाइप का रहेगा CHO का। और CHO बनना है तो मेरे साथ जुड़े रहें, मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर भी क्वेश्चन सेशन चल रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर भी सारी अपडेट वहाँ पर दी जा रही है। और साथ में ही ये जो जितने भी ये वीडियो करवा रहा हूँ मैं आपको, इसकी PDF आपको मिल जाएगी वहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है लीवर में किस रूप में होता है बताइए। पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा ऑप्शन है सुक्रोज, ग्लाइकोजन और गैलेक्टोज। तो किस रूप में रहता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो चला जाएगा सी, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है कि इन कम्युनिटी इन्फेक्टेड पर्सन फर्स्ट केस कॉल्ड। मैं आपको थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कम्युनिटी में, समुदाय में कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है या संक्रमण जिसको हुआ है, वो सबसे पहले जिसके कांटेक्ट में आया है, जो फर्स्ट केस है वो सबसे पहले किसके कांटेक्ट में आया है, उस केस को क्या कहते हैं। तो उस केस को क्या कहते हैं, पहला ऑप्शन है ए इंडेक्स केस, या प्राइमरी केस, सेकेंडरी या कैरियर। तो पहला केस का मतलब प्राइमरी मत लगा देना कि पहला केस तो प्राइमरी होता है, नहीं, पहला केस जो डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में आता है उसे अपन, याद रखना, इंडेक्स केस बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो इंडेक्स केस जाएगा, और राजस्थान CHO ने भी इसका आंसर इंडेक्स ही माना है, और मैक्सिमम एग्जाम जो है वो इंडेक्स केस ही इसका आंसर देते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और वन लाइनर क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है सभी से कि वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हो चैनल पे तो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके बाद देखते हैं टू बी कंटिन्यू पार्ट सेकंड। ये 20 क्वेश्चन थे राजस्थान CHO 2020 का जो प्रीवियस एग्जाम है उसके, ये 20 क्वेश्चन थे। इजी क्वेश्चन लगे होंगे आपको, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आया था। तो ये 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पार्ट फर्स्ट था ये, आगे पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड और पार्ट फोर में ऐसे 20 क्वेश्चन अपन करवाते रहेंगे। और आप सभी से मेरा निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक और निवेदन है आप सबसे कि मॉर्निंग में मेरा जो शेड्यूल है वो ये है कि जो CHO स्पेशल MCQ सेशन क्लासेस जो है वो मॉर्निंग में सुबह 7 बजे अपलोड हो जाती है, और इसके अलावा मेरी एक क्लास 10 बजे भी अपलोड होती है, जो कि डिफरेंट टाइप की हो सकती है। उसमें मैं थ्योरी भी करवा सकता हूँ, और उसमें मैं राजस्थान CHO के प्रीवियस पेपर है वो भी पार्ट वाइज लाऊंगा, और उसमें और अदर क्वेश्चंस भी उसमें मैं लाता रहूँगा, या फिर कुछ टॉपिक्स है वो भी मैं लाता रहूँगा। तो आप सभी को करना इतना है, अगर आपको राजस्थान CHO फाइट करना है, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो, ठीक है, मेहनत मांगता है, मेहनत करोगे भगवान भी साथ देगा, वरना भगवान आपका साथ बिल्कुल नहीं देगा। लक के भरोसे या किस्मत के भरोसे मत बैठना, तैयारी करनी ही पड़ेगी जी लगा के। और ये मौका है राजस्थान CHO बनने का, अपने घर के पास में एक अधिकारी की नौकरी करने का, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। खासकर ये जो भर्ती है फीमेल्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, फीमेल ज़्यादा बाहर, ज़्यादा दूर अगर नहीं जा पाती है, किसी के घर वाले नहीं भेज पाते हैं, तो उनके लिए तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो मेरे से ज़्यादा जो गर्ल्स है वो ज़रूर जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है। बॉयज़ तो ऑलरेडी बहुत जुड़ रहे हैं, और जो तैयारी करेगा अच्छे से मेरे साथ 3 महीने मिलके, उसका बेड़ा पार हो जाएगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और एक और बात है कि आगे धीरे धीरे जब जैसी वीडियो आएगी तो मैं एक वीडियो इस पर भी बनाऊंगा कि कैसे तैयारी करनी है अपने को, तो क्या क्या पढ़ना है और स्मार्ट स्टडी अपने को कैसे करनी है, तो उसके बारे में मैं एक वीडियो आपको बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। आप वो वीडियो वॉच करके अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो कि अपने को तैयारी कैसे करनी है राजस्थान CHO की। और निवेदन की आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और नए हो तो बेल आइकन जरूर दबा लें, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें।
अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, लिंक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो आप। कॉल ना करें, बार बार ज़्यादा कॉल मैं अटेंड कर नहीं पाऊँगा, बच्चे बहुत जुड़े हुए हैं, तो आप मेरे को सिंपली मैसेज कर देना, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब याद करके कर लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह सात बजे सब लाइव आकर वीडियो देखा करो, वीडियो को लाइक करा करो। आज भी कोई नहीं आया, मैंने कल बोला था कि अगर ईमानदारी से तैयारी करनी है तो आपको सुबह 7 बजे उठ के पढ़ना पड़ेगा, 7 बजे उठ के आपको क्लास लेनी पड़ेगी। आप तो यूँ सोचते हो कि मैं बाद में ले लूँगा, मैं ये कर लूँगा, ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल भी। आपको तैयारी करनी है तो आपको उठना भी पड़ेगा, आपको पढ़ना भी पड़ेगा। 3 महीने हैं आपके पास, 3 महीने जी जान लगा के मेहनत कर लो, उसके बाद में आप एक अधिकारी के पद पर पोस्टेड हो जाओगे, वो भी अपने घर के पास में, एक रेपूटेड पोस्ट है, धीरे धीरे इस पोस्ट की जो है वो बढ़ती जाएगी। अभी सब लोग सोच रहे हैं कि CHO है, नई पोस्ट है, कोई जानता नहीं है, धीरे धीरे सब लोग जानने लग जाएंगे और डॉक्टर को भी पीछे छोड़ देगी ये पोस्ट, ये मेरी गारंटी है, अगर अपनी ईमानदारी से HWC पे काम करेंगे तो। थैंक यू सो मच मेरे से जुड़ने के लिए, मेरी वीडियो देखने के लिए। वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करो, बिल्कुल स्किप मत करा करो। अगर ईमानदारी से पढ़ना है तो वीडियो पूरी देखा करो। वीडियो थैंक यू सो मच।